ईद का त्यौहार मनाया गया, तो कैसा है कार्य साहब बताएं। आज अल्लाह का शुक्र है कि ईद उल फितर की नमाज हमारा स्टेट बिहार में जो कानून लागू है उस कानून के मुताबिक हम लोगों ने कानून का पालन करते हुए बिल्कुल दूरी बनाकर 5 से 10 आदमी मिलकर हम लोगों ने ईद उल फितर की नमाज अदा की। कानून को मानना है इसलिए कि ये खासकर हमारा त्यौहार जो है ये भाईचारगी और मोहब्बत बताती है, मोहब्बत का त्यौहार है। इसलिए हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान का ये तकाजा है कानून का कि कानून को पालन करना चाहिए हर व्यक्ति को, हर इंसान को। इसलिए हम कानून के पालन को करते हुए बहुत इत्मीनान से सब लोगों ने अपने अपने घरों में इबादत की है अल्लाह की, और हम लोग 5 से 10 आदमी मिलकर मस्जिद में नमाज अदा की है। फिर भी कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। अल्लाह हर का सुनने वाला है, चाहे वो घर में से पुकार हो चाहे मस्जिद से पुकार हो, अल्लाह हर की आवाज़ को सुनता है। तो अल्लाह की बारगाह में यही दुआ है कि खासकर हमारा हिंदुस्तान जो आज करोना वायरस की बीमारी में जो तबाही मच रही है, अल्लाह इसे दूर फरमाए, और हम सब जितने भी हैं देश में देशवासी सभी को बीमारी से अल्लाह महफूज रखे, बीमारी परेशानी से हम सबको रिहाई मिल जाए, और हमारा वही हिंदुस्तान हो जाए जो पहले हिंदुस्तान था। उसी तरह हम अल्लाह की बारगाह में आज ईद के दिन हम लोगों ने मिलकर दुआ की है कि अल्लाह हम सबको एक और नेक बना करके रखे, यही इल्तिजा है।